हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप एवरीथिंग इज फाइन। वेलकम टू ब्रोंटे डॉक्टर। वेलकम है आपका एक नए एपिसोड में। आज मैं फिर से लाया हूँ एक M30S का एक और नया फीचर। एंड इन दिस फीचर आप क्या कर सकते हैं, आप बेसिकली एक ही मोबाइल पे यानी एक सैमसंग M30S के ऊपर दो अकाउंट्स यूज़ कर सकते हैं, व्हाट्सएप के, स्नैपचैट के एंड फेसबुक के। तो अगर आप की ये एक ज़रूरत है कि आप दो अकाउंट्स यूज़ करना चाहते हैं एक ही फ़ोन के ऊपर, तो सैमसंग आपको M30S अलाउड करता है। वो कैसे करना है तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखें, पूरा डेमो दूंगा कैसे करना है, आपको बताया जाएगा कहां पर है वो मेनू, सब पता लगेगा। अगर आपको ये मालूम है तो आप स्किप कर सकते हैं वीडियो। बेसिकली ये आम जनता के लिए जिनको नहीं पता है। और अगर आप नए चैनल पर तो उसमें सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल पर आते हैं हम ड्रोन से इन्फॉर्मेशन एंड टेक विच आई यूज, और टेक्स में जो भी मैं गैजेट यूज करता हूं उसके बारे में जो भी नई इन्फॉर्मेशन, नई तरह की जो भी चीज है वो मैं यहां पर आपको बताता हूं कि कैसे उसको यूज करनी है। तो इससे नॉलेज शेयर होता है और गेन भी होता है, दोनों काम होते हैं। एंड जल्दी ड्रोन के ऊपर एक अपडेट आने वाला है ड्रोन लवर्स के लिए। नेक्स्ट वीडियो ड्रोन पे होगा, डोंट वरी। और हेल्थ के कभी कभी अपडेट्स आते हैं जो काफी मैं जरूरी समझता हूं, तो प्लीज आप घंटे की बजा दें और घंटे के बाद ऑल को क्लिक करें ताकि आपको सारे जो हमारे नोटिफिकेशन हैं वो आप आज का वीडियो। तो बेसिकली M30S में ये फीचर है और काफ़ी इसी सेगमेंट के फोन्स में होगा, तो आप जाकर देख सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर M30S के बहुत ऑडियंस हैं तो उनके लिए स्पेसिफिकली, और अगर जिसके पास जो हमारा सब्सक्राइबर नहीं भी है तो वो भी आके देख सकता है और अपने फ़ोन में भी ढूंढ सकता है किस तरह का फीचर आजकल अवेलेबल है एंड्रॉयड के ऊपर ऐसे इस फ़ोन के सेगमेंट्स में है। तो करना क्या, आपने जाना सबसे पहले सेटिंग्स के अंदर। तो ये रही हमारी सेटिंग्स। सेटिंग में अब जब जाएंगे आपने फिर जाना है एडवांस फीचर्स में। एडवांस फीचर्स में आपको सेकंड लास्ट में जाके आपको मिलेगा डुअल मैसेंजर, ये क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको आप देख सकते हैं तीन एप्लीकेशन में ये सपोर्टेड है अभी, वो हैं व्हाट्सएप, स्नैपचैट एंड योर फेसबुक। तो इन तीनों में से आप किसी को भी इस पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे, स्नैपचैट है, जैसे ही मैं स्नैपचैट कहूँगा तो एक और अकाउंट के लिए एक और कॉपी इंस्टॉल हो जाएगी और फिर उसमें आप दूसरे ईमेल आईडी से लॉगिन कर सकते हैं। इस तरह एक साथ आप दो आईडीज को कर सकते हैं। और इसमें एक और फीचर है, आप सेकेंड कॉन्टैक्ट, जैसे आपने दो कॉपीज़ बना ली हैं तो दूसरी कॉपी में अगर आप और कोई कॉन्टैक्ट यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। तो वो अभी हमें नहीं चाहिए तो हम करेंगे नेक्स्ट पे क्लिक। यूज़ योर रेगुलर कॉन्टैक्ट्स, मैं बोलूँगा येस। टर्निंग ऑन डुअल मैसेंजर, तो इस तरह से ये ऑन हो जाएगा और जैसे ही ऑन होगा उसके बाद दूसरी कॉपी इंस्टॉल होनी शुरू हो जाएगी। आप देखिए जैसे ही आप डुअल वाला ऑन करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक ऑरेंज निशान आ गया है, ध्यान से देखेंगे तो पता लगेगा, इसमें आ नहीं पा रहा। तो एनीवेज यहाँ पर एक ऑरेंज निशान आ जाएगा, इसका मतलब है कि आपने सेकंड वाला इंस्टॉल कर लिया है। साइन इन इनटू सेकंड अकाउंट इन योर फेवरेट सोशल एप्स। तो फ्रेंड्स दूसरे वाला जब आपने देखना है तो ये आपको एक ऑरेंज शेप में मिलेगा। जैसे एक आप देख सकते हैं, एक मेरा स्नैपचैट इधर है जो मैं फर्स्ट अकाउंट में यूज़ कर रहा हूँ, ये रहा। और जब आप ये डुअल ऑन कर लेंगे तो आपका एक दूसरा स्नैपचैट दिखेगा यहाँ पर, ये देखिए ये सेकेंड वाला है। अब इसमें आप साइन अप करके इसको यूज़ कर सकते हैं। ये था आज का वीडियो, इसमें आप डुअल फेसबुक, डुअल स्नैपचैट और डुअल व्हाट्सएप यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल तरीका है, डुअल में ऑन जाके ऑन करना है, एक और कॉपी इंस्टॉल करनी है। जब वो कॉपी इंस्टॉल हो जाएगी आपको पता कैसे लगेगा दूसरे वाला कौन सा, उसके ऊपर एक ऑरेंज निशान आ जाएगा। तो बस उसमें आप दूसरा अपने ईमेल आईडी जिससे भी आप लॉगिन करना चाहते हैं, दूसरा नंबर आपके पास है, जैसे दो व्हाट्सएप चलाना चाहते हैं तो एक नंबर पे एक लॉगिन करें और दूसरे पे दूसरा, तो बहुत इजीली यू कैन डू दैट। तो होप आपको पसंद आया वीडियो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट जरूर करें और बताएं आप और किस तरह का, इस तरह का वीडियो, कैसे तरह का वीडियो चाहते हैं इस चैनल के ऊपर रिगार्डिंग फोन्स एनीथिंग। और जो गैजेट्स मेरे पास नहीं आते उसके बारे में अपडेट तो मैं आपको देता ही रहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।